तेज रफ्तार खबरों के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। रेड जोन मेरठ सहित अन्य जिलों में थर्ड फेज का लॉकडाउन लगने के साथ ही अधिकारियों ने तैयारियां पूर्ण कर दी हैं, तो साथ ही सामाजिक लोग भी साथ आने लगे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। रेड जोन में कोरोना महामारी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सरकार ने तीसरे फेज का लॉकडाउन लगाने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर अधिकारी जागरूकता फैला रहे हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये देखते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और लोगों को जागरूक करना कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, इसको सख्ती से पालन कराया जाएगा और लोगों को खुद ही इसका पालन करना चाहिए, जिससे समाज को और इस देश को जल्दी से जल्दी इस बीमारी से मुक्ति मिले, इसी दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। क्या नाम है आपका? नूरुल्ला खान है। नूरुल्ला जी, आज जो आप ये गरीबों के लिए राशन वगैरह पैक करा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ जाएगा ये? ये जहाँ भी गरीबों को लोगों का मालूम हो, पता चल रहा हम लोगों को, मेरठ में काफी लोग गरीब लोग हैं, वहाँ भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और जी परिचितगढ़, अगवानपुर, कुंडा, झब्बापुरी जितने भी जगह है, कोशिश कर रहे हैं गरीब आदमियों तक ये हमारा राशन पानी पहुंचना चाहिए। तो ये आप पर्सनल भी आप पे कर रहे हैं या कुछ और है संस्था वगैरह है? हम किसान आदमी हैं, हमारा जो गेहूँ उठा है मशीन से जो निकल कर घर आया है, हमने पहले कहा था जितना भी हमारा अनाज होगा हम अपने अनाज थोड़ा घर के लिए रख के तमाम का तमाम अनाज तकसीम करेंगे, गरीब लोगों को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। हमें सिर्फ अपने लिए थोड़ा अनाज रखा है, हम किसान हैं, किसान के हिसाब से जो हमारी फसल आई है, हम फसल को अपना आटा पिसवाया, आटा पिसवाने के बाद पैक कराया, इसके बाद जो हमारे पास पैसा था हमने चावल वगैरह, सरसों का तेल, आलू, चावल, चीनी पत्ती, जो भी तमाम सामान जरूरत की चीजें थी वो हम सब इकट्ठा किया और लोगों में तकसीम करने का काम करेंगे। तेज रफ्तार व सटीक खबरों के लिए आप देख रहे थे SM न्यूज चैनल। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ मैं मोहम्मद इमरान SM न्यूज के लिए।